Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SRMCAT Entrance Exam के बारे में. आज हम इस वीडियो में SRMCAT Entrance Exam के बारे में हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. ये एग्जाम जो है किस लिए कंडक्ट किया जाता है, इसका मेन एम क्या है, मेन पर्पस क्या है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है. इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, कौन से कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर जिस तरह से हमने आप लोगों से इस वीडियो में SRMCAT के रिगार्डिंग रिलेट करने की कोशिश की है, उसी तरह से आगे अगर हम पे और नया वीडियो बना दे और यहाँ और किस की अपडेट देना चाहते हैं आप लोगों को, तो वीडियो के माध्यम से आपको जो अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं SRMCAT एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना. सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि SRMCAT का जो फुल फॉर्म है वो क्या है. सो गाइस, SRMCAT स्टैंड्स फॉर श्री रामस्वामी मेमोरियल कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SRMCAT के नाम से जानते हैं, जो कि एक नेशनल लेवल का PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन है. और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है SRMCAT का, वो कंडक्ट किया जाता है SRM यूनिवर्सिटी के द्वारा, यानी कि श्री रामस्वामी मेमोरियल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है. अब गाइस, अगर आप इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो आपको कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, मैं आपको वो बता देता हूँ. आपको मैनेजमेंट की फील्ड हो गई, इंजीनियरिंग फील्ड हो गई, मेडिकल फील्ड, आर्किटेक्चर हो गया, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज हो गया, ये सारे के सारे फील्ड्स में गाइस आपको जो आसानी से एडमिशन मिल सकता है SRM यूनिवर्सिटी में, अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं. अब गाइस, इसके एंट्रेंस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आपकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना जरूरी है. आप जो है ग्रेजुएशन पास रहनी चाहिए, 3 इयर्स का जो ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है आपके पास वो रहना चाहिए, तो आप इसके एलिजिबल रहेंगे. उसी के साथ गाइस, आपका ग्रेजुएशन में 50% आया हुआ रहना चाहिए, और जो अपियरिंग स्टूडेंट्स है, लास्ट ईयर के अपियरिंग स्टूडेंट, वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, अवेलेबल रहेंगे, उनको भी जो है एग्जाम देने दिया जाएगा. अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो गाइस एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा. नेक्स्ट, आपको टोटल टाइमिंग जो है 2 hours 30 minutes अलॉट किया जाएगा. 2 hours 30 minutes आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको अलॉट नहीं किया जाएगा. एग्जैक्ट 2 hours 30 minutes आपको पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट करना होगा. नेक्स्ट बात की जाए सेक्शन की, तो गाइस एग्जाम में यानी कि SRMCAT में टोटल 5 sections आपको दिए जाएंगे. हर एक सेक्शन में गाइस आपको 20 questions पूछेंगे, यानी कि 5 सेक्शन का मिला के टोटल 100 questions आपसे पूछे जाएंगे. सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो गाइस MCQ रहेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेरीज रहेंगे. एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा, आपको सिंपली एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट, मार्किंग स्कीम की बात की जाए, तो हर एक करेक्ट आंसर पे आपको जो है 3 marks दिए जाएंगे, 3 marks आपको दिए जाएंगे, और आपकी जो गलत आंसर अगर रहेंगे तो आपके गाइस नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपका 1 mark जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, 1 mark जो आपका कट कर दिया जाएगा. और यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है वो 300 marks का आपका टोटल पेपर रहेगा. सो गाइस, ये था टोटल शॉर्ट ओवरव्यू SRMCAT एंट्रेंस एग्जाम के बारे में. सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को SRMCAT के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा, हर एक डाउट आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया रहेगा. अगर फिर भी कोई डाउट हो या और कोई डिटेल्स जाने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा. आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी प्रोवाइड करा दी, उस पर क्लिक करके और डिटेल में जो है SRMCAT के बारे में आसानी से जान सकते हैं. सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, वीडियो के माध्यम से आपको SRMCAT के बारे में नॉलेज मिली हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए. थैंक यू फ्रेंड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.